हाकिमियत का फितना। हाकिमियत का फितना मतलब मैं जिम्मेदार हूं, मेरी चलेगी इस घर में। भाई तेरी चलेगी तो शौहर किस लिए? अर्रिजालु कव्वामून अला निसाई, मर्द औरतों पर जिम्मेदार हैं, कव्वाम हैं। ये अल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है उसमें तब्दीली नहीं, उसमें तब्दीली नहीं। अगर तुमने अपने आप, और बहुत दफा देखे शौहर ने जिम्मेदारी भी दे दी होती, औरत घर की जिम्मेदार है लेकिन शौहर के बाद, शौहर से पहले नहीं। शौहर बेचारा बिल्ली की सूरत बनाए बैठा रहता है, सारी बातचीत औरत करती। भाई लड़के के लिए, लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने गए तो वहां भी औरत बोलती है, मार्केट गए वहां भी औरत बोलती है, मेहमान आ जाए वहां भी औरत बोलती है, बाहर निकले वहां भी औरत। फिर शौहर क्या करता है? भाई हाकिम शौहर है, जिम्मेदार शौहर है, उसको बोलना है। लेकिन तुमने तो वो तन्हाई वाला सारा धोस जमा करके शौहर को अपने काबू में, अपने बस में किया है, और वो बेचारा या तो तुम्हारी मोहब्बत कह लो, या बच्चों की फिक्र कह लो, या घर ना टूट जाए उसकी फिक्र कह लो, जो कुछ भी कह लो। भाई ये नहीं कह रहा सारे शौहर मासूम होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा सारी औरतें जालिम होती है, सारी औरतें बेकार होती हैं। अच्छे शौहर भी हैं, अच्छी औरतें, अच्छी बीवियां भी हैं, लेकिन जो बुरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके यहां फितने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप अच्छे घराने की होंगी, आप खुद अपने आप को अच्छा बना करके आपने रखा होगा, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, आपको अच्छा खाना बनाना आता होगा, आप बहुत खूबसूरत होंगी, होगी सब कुछ, लेकिन अपनी जगह आपका मकाम शौहर के बाद है। अगर आपने अपने आप को शौहर के ऊपर रखा तो गोया कि आप शौहर की नाफरमानी कर रही हैं और शरीयत के बताए हुए हुदूद को पार कर रही हैं, और ऐसी सूरत में आपके लिए खैर नहीं है, इसलिए कि आपका शौहर आपके लिए कव्वाम है। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।